छतरपुर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिटायर्ड शिक्षक को छुड़ाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने किया खुलासा। छतरपुर से खबर आ रही है जहां 21 सितंबर को हुए रिटायर्ड शिक्षक के अपहरण कांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रिटायर्ड शिक्षक चंद्रभान द्विवेदी को सही सलामत मुक्त करा लिया गया है। आरोपियों ने 25 लाख की फिरौती मांगी थी, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। अपहरणकर्ताओं ने शिक्षक को दिल्ली के न्यू जय भारत अपार्टमेंट में रखा था, जहां पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी संजय सूर्यवंशन की भागने के दौरान 8वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। इसके एक साथी सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो और आरोपी मनीष शर्मा और उसकी पत्नी रुचिका फरार हैं। पूरी कार्रवाई में एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल, टीआई अरविंद दांगी, दिल्ली के सब इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, साइबर सेल आरक्षक प्रदीप विजय, प्रभारी निशा श्रीवास्तव, फील्ड में उप निरीक्षक जसवंत सिंह, माधवी अग्निहोत्री, हेमंत नायक, दिलीप करण नायक सहित कई आरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वहाँ मुझसे पैसे की मांग करने लगे, और पैसे की मांग करने पर जो मेरे बेटे गए पुलिस के साथ में, तो पुलिस ने मुझे वहाँ के चौंगा से किडनेप आपको कर लिया था, क्या हुआ जी? किडनेप ज़बरदस्ती किडनेप कर 25 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर बोले 50 लाख ले लेंगे या आप पीते कर देंगे। किन लोगों ने लेकर क्या कहेंगे, कितनी पुलिस ने आप पुलिस को लेकर क्या कहेंगे, कितना अच्छा काम रहा पुलिस का? सर इतना बढ़िया सराहनीय काम रहा कि ना तो मुझे वहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं पड़ी, मैं बड़े आराम से नीचे आ गया लड़की के साथ में, जो मैं ज़िंदगी में नहीं सोचे हुए था कि नीचे कभी जाऊँगा भी। तो आपको लग रहा था कि नहीं बचेंगे आप? नहीं बचेंगे, संभव ही नहीं था। आपके साथ क्या करते थे? ये मुझे जिला छतरपुर में थाना सिविल लाइन अंतर्गत अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, जिसमें जो गिरोह था वो दिल्ली व एक सागर का व्यक्ति था, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था। इसमें पहले 10 लाख उसके बाद 25 लाख की डिमांड की गई थी। चंद्रभान द्विवेदी जिनका अपहरण हुआ था उनको सकुशल दिल्ली से बरामद कर लिया गया था, और जो इसका मेन मास्टरमाइंड था संजय, उसका निधन खासकर वो बिल्डिंग से गिर के हो गया था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, और इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड था वो भी हमारी गिरफ्त में है। अभी इसमें दो आरोपी फरार हैं और उनको भी गिरफ्तारी का प्रयास लगातार किया जाएगा। दूसरा मामला क्या था?